हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल एग्जाम्स वाली वीडियो सीरीज को देखिए, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज को लाइक करें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने प्रॉब्लम अनट्रेन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूलों को बताया था। अगर आपने वो पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें और उसको देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम अनट्रेन के रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम कवर करने वाले हैं ट्रेन या रेलगाड़ी से रिलेटेड मैथ की प्रॉब्लम को, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है, तो ये जो है किसी बिजली के खंभे को क्रॉस कर रही है तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है ट्रेन की लंबाई ट्रेन की स्पीड S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी लेंथ L1/T, या खंभे की लेंथ क्या होगी, L2 = 0 होगी। खंभे की लेंथ क्या है, L2 = 0, और यहाँ पे देखिए खंभा स्टेबल है तो S2 = भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि खंभा कभी चलता नहीं है तो यहाँ पे S2 = 0। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगने वाला है S1 = L1/T, तो हमें जो है क्या निकालना है इसमें समय, तो T = हो जाएगा L1/S1, यानी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई अपार रेलगाड़ी की चाल, तो यहां से समय निकल आएगा, ठीक है। तो यहां जो है L1 है यहां पे 150 मीटर दिया है क्वेश्चन में, और जो है स्पीड दिया है रेलगाड़ी की 54 किलोमीटर पर हावर, तो इसको जो है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां जो 18 × 54 कट जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा 150/15, इस तरह से जो है यहाँ कट किया जाएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ पे जो है समय मेरा निकल के आएगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में जो है वो रेलगाड़ी जो है खंभे को क्रॉस कर देगी, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 180 मीटर एक लंबी ट्रेन, ठीक है, 65 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रही है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जाते हुए व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो यहाँ पे दिया है कि 180 मीटर कोई एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए कौन सा लगेगा, 180 मीटर लंबी ट्रेन जो है 65 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रही है और उसी दिशा में क्या करना है 5 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जाते हुए व्यक्ति को क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे S1 ट्रेन की लंबाई, S1 जो है ट्रेन की जो स्पीड होगी, और माइनस S2 कर देंगे यहाँ पे व्यक्ति की स्पीड, क्योंकि जो है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन भी एक ही दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी S1 - S2 जो हो जाएगी यहाँ पे निकल के आएगी, S1 - S2 = क्या कर देंगे यहाँ पे L1/T, तो यहाँ पे समय निकालना है। L1 आपको जो है दिया है ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई क्या है, यहाँ पे L2 = 0, व्यक्ति का जो है हमेशा 0, किसी भी व्यक्ति या खंभा या फिर पुल की जो लंबाई होगी हमेशा क्या लेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में 0 मानेंगे उसको, समझ में आया। तो इसी पे जो है रखेंगे फार्मूले पे और निकाल लेंगे टाइम, तो T = क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई S1 - S2, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे क्या है स्टूडेंट दिया 180 मीटर, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 65 है, तो 65 को भी हम जो है यहाँ से चेंज करने वाले हैं किसमें, 65 - 5 में क्या कर देंगे यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। 65 - 5 कर देंगे यहाँ पे, 65 रेलगाड़ी की स्पीड है और 5 क्या है व्यक्ति की स्पीड है, तो यहाँ पे जो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ये मीटर में ऊपर है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ऊपर मीटर में है, इस तरह से आप जो है आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180/60 × 5/18, ठीक है। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 × 18/3 क्या हो जाएगा 300, ठीक है। अब यहाँ पे आगे काटते हैं 6 बार में जाएगा और यहाँ जो है नीचे जो है यहाँ पे देखिए 3×6 = 18 और जो है यहाँ पे 0.6 बार में कट जाएगा, 0.6 बार में जो है यहाँ पे
कट जाएगा, ठीक है, 0.6 बार में ये कटेगा, और 18 छक्का क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 10.8 सेकेंड आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 10.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे जल्दी से और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 85 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जा रही है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर हावर से आते हुए व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर जो है विपरीत दिशा में ऑब्जेक्ट जा रहे हो तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। विपरीत दिशा में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जा रहे हो तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है ट्रेन की स्पीड S1 बराबर दिया है 85 किलोमीटर पर हावर, और S2 इक्वल टू दिया है यहाँ पे व्यक्ति की जो स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इनकी जो रिलेटिव जो है यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे S1 + S2, क्योंकि ये एक ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 / T। L1 / T क्या हो जाएगा यहाँ पे, L1 सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, व्यक्ति की लंबाई जीरो, व्यक्ति की लंबाई हमेशा जीरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है व्यक्ति को क्रॉस करने में समय टी लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 / S1 + S2। इस तरह से आप जो है फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका जो है निकल के आएगा आंसर, ठीक है। S1 + S2 क्या हो जाएगा, 85 में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, और 5/18 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे मस्ट है मल्टीप्लाई करना 5/18 से। तो 150 / क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 × 5/18 हो जाएगा यहाँ पे, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, ठीक है, 150 / 25। तो ये जो है 6 बार में आपका कट जाएगा, 6 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 सेकेंड जो है आपका आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, कितने समय में वह जो है 260 मीटर किसी खंभे को जो है सॉरी प्लेटफार्म को पार करेगी, कितने समय वो जो है 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है दिया है 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है, रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया है, ठीक है, स्पीड दिया है, तो यहाँ पे प्लेटफार्म की स्पीड जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रेलगाड़ी की जो है स्पीड क्या है यहाँ पे दिया, 60 किलोमीटर पर हावर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खंभे रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया है, L1 = दे दिया है यहाँ पे 140 मीटर, और यहाँ पे देखिए प्लेटफार्म की लंबाई भी दिया है 260 मीटर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ये जो फार्मूला आपको लगाना है S1 = L1 + L2, ठीक है, L1 + L2 / क्या हो जाएगा यहाँ पे T, यहाँ पे S2 = 0, क्योंकि जो है प्लेटफार्म जो है कोई गति नहीं करता है, तो इसकी स्पीड हमेशा जीरो होगी, ठीक है। प्लेटफार्म आपको कॉमन सेंस है, प्लेटफार्म क्या होगा यहाँ पे हमेशा स्टेबल रहता है, ये कॉमन है सेंस, ठीक है। तो यहाँ जो है S2 = हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ प्लेटफार्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो समय लगेंगे प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा, तो T = क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 + L2 / S1, L1 + L2 / S1। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आप जो है 140 है, और प्लस क्या है यहाँ पे 260, L2 है प्लेटफार्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई 260 मीटर, इनको जोड़ के अपान क्या है रेलगाड़ी की जो है स्पीड से भाग दे देंगे 60, और इसमें 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि ये मीटर/सेकेंड में बदल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेकेंड में वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे अगर आप काटना शुरू कर दे यहाँ पे जो है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 400 हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 400 ये हो रहा है ऊपर, इनटू क्या हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 300, 300, 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24, तो 24 सेकेंड जो है इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 24 सेकेंड जो है इसका आंसर आपका निकल के आया। तो 24 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिया है ट्रेन की लेंथ दिया है, और ठीक है, और समय भी दे दिया है, और प्लेटफार्म की लंबाई भी दे दिया है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड निकालनी है, यानी क्या है S1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे L1 + L2 / T, L1 + L2 / T, इसी प्लेटफार्म को पार भी कर रही है, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी हुई है और प्लेटफार्म की लंबाई L2 मान लेंगे, L1 क्या है ट्रेन की लंबाई है, / T जो है समय भी दे दिया है। तो यहाँ S = क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 + L2, तो यहाँ पे हमें क्या रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे 180 + 220 / 20 कर देंगे,
ठीक है, इससे जो है रेलगाड़ी की स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 180 में अगर जो है 220 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 400 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे जो है निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड रेलगाड़ी जो है इतने मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, और इसमें जो है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें 20 × 18/5 से, तो ये जो है कट जाएगा यहाँ पे 18 × 72 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। तो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन एक ही दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हुए एक दूसरे को 1 मिनट में पूरी तरह से क्रॉस करती हैं। 1 मिनट में पूरी तरह से क्रॉस करती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दोनों ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे। S1 मान लेते हैं दूसरे ट्रेन की स्पीड, माइनस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 + L2/T। यहाँ पे देखिए S1 की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 54, 54 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 है, तो 36 को घटाएंगे इसमें और इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल जाए। L1 की वैल्यू आपको देखना है, यहाँ पे दिया है पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, तो 125 मीटर पहली रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, इसको निकालना है। अपन क्या कर देंगे यहाँ पे 10 सेकेंड, 1 मिनट में पूरी तरह से क्रॉस करती है, 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60। समय को क्या लेंगे, T = 1 मिनट दिया है तो इसको 60 सेकेंड ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में वैल्यू ये मीटर में आने वाली है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसी तरह से आप जो है बदलेंगे वैल्यूज को, ठीक है। अगर किलोमीटर पर हावर में है तो अगर स्पीड को किलोमीटर पर हावर में निकालेंगे, और ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में निकालेंगे, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से जो है उनकी यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 54 में से अगर आप जो है 36 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे 18 कुछ आ जाएगा, ठीक है, 18 × 54, ठीक, 18 से जो है 18 कट जाएगा यहाँ पे, 18 से 18 कट जाएगा और 125 + L2/60, ठीक है, तो यहाँ से 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 5 = 300 इधर हो जाएगा, 125 + L2, 125 + L2 इस तरह से हो जाएगा। तो L2 = क्या हो जाएगा यहाँ पे, 300 में से 125 घटेगा, जितनी आएगी वही लेंथ हो जाएगी। तो L2 = यहाँ पे आया स्टूडेंट्स 175 मीटर, 175 मीटर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक समान चाल से चल रही है, दूसरी यदि सॉरी यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक समान चाल से चल रही है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकेंड का समय लेती हैं, तो ट्रेन की चाल होगी, ट्रेनों की क्या चाल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रेनें क्या है, विपरीत दिशा में एक समान चाल से चल रही है, क्या कर रही है यहाँ पे, विपरीत दिशा में एक समान चाल से चल रही है, तो यहाँ पे ट्रेनों की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फार्मूला लगने वाला है S1 + ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है तो S1 + S2 = L1 + L2/T, L1 + L2/T। तो देखिए यहाँ इनकी लंबाई दिया है 120 मीटर, दोनों की लंबाई 120 मीटर है, तो यहाँ 120 + 120 मीटर रखेंगे, और यहाँ पे देखिए समय दिया है 12 सेकेंड, क्या दिया है 12 सेकेंड, तो S1 + S2 यहाँ पे दोनों की चाल निकालनी है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है कुछ यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है मान लेते हैं इनकी स्पीड क्या है, X + X, इनकी स्पीड क्या है, X + X, ठीक है, तो यहाँ जो है X + X जो है इनकी स्पीड, तो सेम होगी इनकी स्पीड, स्पीड इनकी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे मान लेंगे X + X जो है इनकी स्पीड है, और यहाँ जो है निकल के आएगा यहाँ पे 2X हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2X, 120 में 120 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 240 और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे अगर 20 बार में जाएगा ये तो 2X = क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2X = क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। इनकी स्पीड मान लेते हैं x है, ट्रेनों की स्पीड अगर लंबाई सेम है तो स्पीड भी लगभग सेम ही होगी, क्योंकि इनकी लंबाई सेम है और 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे इनकी स्पीड जो है निकाल लेंगे, ठीक है, तो X = क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको किलोमीटर पर हावर में बदलें तो X = क्या हो जाएगा यहाँ पे 10
इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 18/5, 18/5, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10 और 18 × 2 = 36, 36 किलोमीटर पर आवर दोनों ट्रेन की स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर दोनों ट्रेनों की स्पीड यहाँ पे निकल के आई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे दिया है एक 150 मीटर लंबी मालगाड़ी जो है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक पैसेंजर ट्रेन जो है 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है जिसमें एक आदमी बैठा है, कितने सेकेंड में मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस करेगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो फार्मूला जो कंसेप्ट लगने वाला था हम बताए थे पहले जो है इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के, तो वही जो है फार्मूले यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए फार्मूलों को जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं, पहले जो है ट्रेन जो है जो मालगाड़ी है उसकी स्पीड दे देते हैं S1, ठीक है S1, और दूसरे ट्रेन जो है उधर की तो जा रही पैसेंजर ट्रेन उसी दिशा में जा रही है उसकी स्पीड क्या लेते हैं S2। पहले ट्रेन की स्पीड S1 मालगाड़ी है ये, और S2 क्या है पैसेंजर ट्रेन है उसी दिशा में जा रही है। अब दोनों की जो है ये जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, यहाँ पे S1 - S2 = क्या हो जाएगा यहाँ पे L1/T, L1/T। क्यों L1/T यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि जो है पहली जो है रेलगाड़ी की लेंथ को कंसीडर करेंगे, दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति की बात हो रही है। तो व्यक्ति जो है व्यक्ति का हमेशा क्या लेते हैं लेंथ 0, व्यक्ति की लेंथ 0, तो L2 = यहाँ पे हमेशा 0 लेंगे। तो S1 - S2 = L1/T, तो S1 की वैल्यू क्या है 54 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में है तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 54 और 18 क्या है पहले ट्रेन और दूसरी ट्रेन की स्पीड है, पहली मालगाड़ी ट्रेन है उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, जो पैसेंजर ट्रेन है 18 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड मैंने घटा दिया है, सेम ही दिशा में वो जा रही है, × 5/18 कर दिए हैं, क्योंकि उनको मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, समझ में आया। और इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे L1 जो है, L1 क्या है यहाँ पे पहले ट्रेन की लंबाई जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई 150 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है। अपान क्या कर देंगे यहाँ पे 18 है यहाँ, सॉरी जो समय लग रहा है यहाँ पे क्या लग रहा है यहाँ निकालना है, यहाँ पे क्या करना है निकालना है यहाँ पे लगे हुए समय को यानी टी को निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 36 × 5/18 = क्या हो जाएगा 150/T। तो यहाँ जो है आप काटते हैं तो 18 × 2 = 36, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो T = क्या हो जाएगा यहाँ पे 150/10, तो इस तरह से T = क्या निकल के आएगा 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में वो जो मालगाड़ी है उस जो है पैसेंजर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर देगी। तो 15 सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, तो 15 सेकेंड में वो जो मालगाड़ी है उस व्यक्ति को बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस कर देगी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 18 सेकेंड में जो है एक रेलवे प्लेटफार्म को, और उसी दिशा में जो है एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, उसको जो है 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में, अब प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है, यानी यहाँ पे जो ट्रेन जो है व्यक्ति को भी क्रॉस कर रही है और प्लेटफार्म को भी क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे रेलगाड़ी ट्रेन को भी ले सकते हैं और यहाँ पे प्लेटफार्म को लेते हैं, ट्रेन और प्लेटफार्म को लिया जाए तो यहाँ इसकी स्पीड की बात की जाए, रेलगाड़ी की स्पीड = S1 = रेलगाड़ी की लेंथ प्लस प्लेटफार्म की लेंथ अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे लिया गया उसको क्रॉस करने में लिया गया समय। तो यहाँ पे जो है दिया है रेलगाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर = L1 जो है यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है हमें नहीं पता है, L1 प्लस L2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है ये, इसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, किसमें मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे L1 + L2 की बात की जाए तो यहाँ जो है 150 मीटर, जो 150 यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई का योग कितना है यहाँ पे, एडिशन कितना है 150 मीटर, 150
मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब कंसीडर करते हैं दूसरी कंडीशन को। अब जो वो क्या कर रही है, दूसरे व्यक्ति को उसी दिशा में चलते हुए क्रॉस कर रही है। व्यक्ति की जो स्पीड यहाँ पे दिया है 6 किलोमीटर पर हावर, तो यहाँ पे S1 जो है रेलगाड़ी की स्पीड माइनस S2, क्योंकि सेम दिशा में चल रहे हैं दोनों, ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रेन की स्पीड, क्योंकि जो है रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे L1/T। L1 अपान टी क्यों लेंगे यहाँ, क्यों L1 यहाँ पे है ट्रेन की लंबाई अपान जो है टी है उस व्यक्ति को क्रॉस करने में लिया गया समय। यहाँ पे L2 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति यहाँ पे जीरो होगा, हमेशा क्या होगा यहाँ पे इसकी लेंथ जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे S1 माइनस S2 की बात की जाए तो 30 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जो है मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर लेंगे अभी, ठीक है, इससे आसानी होगा। 5/18 इंटू में कर दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 की लेंथ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, रेलगाड़ी की लेंथ अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है निकल के आएगा 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 × 5/18 इक्वल टू हो जाएगा L1/15, ठीक है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में काटना है इसको, तो 6 × 24 = 6 × 3 = 18, इस तरह 6 बार में ये दोनों कट जाएंगे। 5 × 20/3 यहाँ हो जाएगा 20/3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 15, ठीक है, इक्वल टू L1। तो L1 की लेंथ यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 100 मीटर। L1 की लेंथ क्या निकल के आएगी, 100 मीटर, यानी क्या है ये ट्रेन की लेंथ है, क्या है ये ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ट्रेन को लिए हैं साथ में और मैन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन और मैन की बात हो रही है, तो यहाँ दो कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू रख दें L1 की निकाल के, तो L1 + L2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, L1 + L2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 150 मीटर। तो L2 जो है प्लेटफार्म की लंबाई जो हो जाएगी यहाँ पे 150 - 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 50 मीटर। तो यही क्या है प्लेटफार्म की लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई, तो 50 मीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो स्टूडेंट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलते हुए किसी अन्य ट्रेन को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है उसी की लंबाई की आधी है और उसके विपरीत दिशा में जा रही है 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। तो यदि ट्रेन प्लेटफार्म को 1.5 मिनट में क्रॉस करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करने वाले हैं दोनों ट्रेन की, तो जो पहली वाली ट्रेन है वो जो है एक रेलगाड़ी को भी क्रॉस कर रही है और दूसरा जो है प्लेटफार्म को भी क्रॉस कर रही है। तो पहले जो है पहली ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन को लेंगे और उन दोनों की कंडीशन को हल करेंगे, उसके बाद जो है पहली ट्रेन को दूसरे जो है प्लेटफार्म के साथ लेंगे और उस कंडीशन को हल करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे बात करेंगे S1 + S2। S1 + S2 क्यों लिया है यहाँ पे, पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड को ऐड किया है क्योंकि ये जो है विपरीत दिशा में जा रही है। और यहाँ पे लेंथ की बात की जाए तो L1 + L2 अपान क्या है समय हो जाएगा यहाँ पे 12 सेकेंड जो क्रॉस करती है। S1 की वैल्यू यहाँ पे 36 और S2 की वैल्यू क्या है 54, ठीक है, किलोमीटर पर हावर में है तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। और L1 + L2 की बात की जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो L1 और L2 की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है जो पहली वाली ट्रेन है दूसरी वाली ट्रेन की जो लंबाई आधी है, ठीक है, पहली वाली ट्रेन से दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई क्या है आधी है। तो यहाँ पे L पहली वाली ट्रेन की लंबाई ले लेते हैं L और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई क्या ले लेते हैं L/2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे T अपान जो T है समय है क्या है यहाँ पे 12 सेकेंड में वो क्रॉस कर रही थी, यहाँ पे अपान 12 कर देंगे, समझ में आया। और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ 90 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 90 × 5/18 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 L + L/2 करेंगे तो 3L/2 हो जाएगा, 3L/2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 12 और यहाँ पे 18 3 18 5 90 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 25
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3L/24, 3L/24 तो 3 8 24, तो एल इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से आपका निकल के आएगा एल इक्वल टू 200, ठीक है, 25 8 200। तो 200 मीटर जो है क्या है यहाँ पे, रेलगाड़ी की लंबाई, यो जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन की लंबाई यहाँ पे हमने निकाल लिया 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई जो निकल के आई जो है, ट्रेन की लंबाई इस तरह से हमने निकाला, एल इजक्वल टू क्या क्या था यहाँ पे, 25 × 8, इस तरह से 200 मीटर यहाँ पे लंबाई आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको निकालने के बाद हम दूसरी कंडीशन लेंगे। अब क्या कर रही है, जो वो ट्रेन है 1.5 मिनट में एक प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं एक्स, प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं एक्स, प्लेटफार्म जो है एक्स मीटर लंबा है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई एक्स मीटर। यहां पे दिया है प्लेटफार्म को 1.5 मिनट में क्रॉस कर रही है, तो यहां पे टी इक्वल टू क्या है, 1/1:2 है, ठीक है। तो यानी 1.5 मिनट है, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 90 सेकेंड, मतलब 1 मिनट और आधा मिनट और, तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है, 90 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्लेटफार्म की, तो प्लेटफार्म की कंडीशन में पहली ट्रेन की स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई, ठीक है, पहली ट्रेन की लंबाई एल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेटफार्म की लंबाई एक्स अपान क्या हो जाएगा यहाँ टी, ठीक है, एक्स अपान टी समय। तो पहले ट्रेन की स्पीड क्या थी यहाँ पे, 36 थी, × 5/18 कर देंगे ये जो मीटर पर सेकेंड में बदल जाए, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपको निकाला था मैंने, 200 मीटर है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ एक्स, ये जो है प्लेटफार्म की लंबाई अपान क्या है, इसको कितने समय में क्रॉस कर रही है, 1.5 मिनट में, 90 रख देंगे, 90 सेकेंड्स में उस प्लेटफार्म को क्रॉस कर रही है। इस तरह से जो है 18 × 36 हो जाएगा, और 5 × 10 900 हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इधर भेजेंगे तो 200 + x = हो जाएगा यहाँ 900, और x = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 700, 700 मीटर। तो 700 मीटर क्या है, प्लेटफार्म की लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है, 700 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है ट्रेन एक्स ए से बी, ठीक है, और ट्रेन वाई बी से ए की ओर चल रही है, तो यहाँ पे दोनों द्वारा पहुंचने में समय लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या है बी पॉइंट है। अगर हम बात करें जो ट्रेन ए जो है ए से बी की ओर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, ट्रेन एक्स जो है इधर जा रही है ए से बी की ओर जा रही है, इसकी स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, एक्स ट्रेन है ये 40 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की ओर जा रही है। अगर एक जो है ट्रेन जो है वाई है और वो बी से ए की ओर आ रही है, कितने किलोमीटर पर है इसको हमें निकालना है, ठीक है, S2 हमें निकालना है, यहाँ पे इसका पता नहीं है स्पीड, वाई ट्रेन की स्पीड हमको नहीं पता है जो बी से ए की ओर जा रही है। तो यहाँ पे दोनों के द्वारा लिया गया समय, ए जब बी पे पहुंच रहा है तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या है, 4 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पे जो T1 लिया गया है, T1 क्या है, 4 hours 48 minutes है, 4 hours 48 minutes है। तो 4 hours 48 minutes को अगर हम हावर्स में कन्वर्ट करें टोटली, तो 48/60 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से जो है, 4 + 4/5, 4 + 4/5, तो यहाँ पे 24/5, 24/5 यहाँ पे आके निकल के आएगा, ठीक है। और दूसरी बार जो है यहाँ पे जो ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन है वो ए पॉइंट पर पहुंचने में 3 घंटा 20 मिनट ले रही है, कितना ले रही है, 3 घंटा 20 मिनट ले रही है। 3 घंटा 20 मिनट की बात की जाए तो यहाँ 3 + 20/60 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 + 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 10/3 जो है इसका हावर्स में T1 और T2 निकल गया। तो पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय ए तक पहुंचने में यहाँ पे 24/5 घंटे है, और जो है T2 द्वारा लिया गया समय 10/3 घंटे, ठीक है। तो मैंने फार्मूला बताया था, पहली ट्रेन की स्पीड अपान दूसरी ट्रेन की स्पीड बराबर जो है दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय अपान पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पे एक्स की स्पीड कितनी है, एक्स वाली ट्रेन की स्पीड 40 है, और वाई वाली ट्रेन की स्पीड हमको निकालनी है, वाई की स्पीड हमें क्या है निकालनी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 जो दूसरे द्वारा समय लिया गया कितना है, 24/5, 24/5, और अपान T1 करेंगे तो यहाँ पे जो है सॉरी दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है यहाँ पे
यहाँ पे जो है अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स की जो स्पीड कितनी है 40 है, अपान क्या है वाई की स्पीड आपको निकालनी है, वाई की स्पीड निकालनी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे ट्रेन द्वारा लिया गया समय, दूसरे ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है 10/3 घंटे इनटू जो है पहले ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है 24/5, ये बट्टे में रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/24 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हल करते हैं तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 25/36 आ जाएगा, 25/36, तो इस तरह से 5/6, तो 5/6 क्या है यहाँ पे 40/y इक्वल टू क्या है y की स्पीड जो निकालनी है इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 5/6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/6, तो y की स्पीड क्या हो जाएगी, y की स्पीड जो हो निकल के आया ये आपकी 40 × 6/5, तो यहाँ पे जो है कट जाएगा 8 × 5 = 40 से, तो 8 × 48, तो 48 जो है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर जो वाई की स्पीड जो हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.